दोस्तों आपको मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताऊं जो आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी हो उसे जड़ से खत्म कर देगी और आपको 80 साल तक जीने का वरदान दे देगी। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज मैं जो चीज़ आपको बताऊंगी वह आपके मोटापे से लेकर कैंसर तक को खत्म करने की ताकत रखती है और बिना पैसे के आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटापे की। क्या आप अपना वजन कम करना चाहते हैं? क्या आपका वजन बढ़ चुका है और आप तरह तरह के वजन कंट्रोल करने वाले डाइट एक्सरसाइज करके थक चुके हैं, फिर भी आपका वजन कम नहीं हुआ? तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपका वजन कम करने के लिए हम एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपके घर पर है लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम भी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। डायबिटीज यानी मधुमेह, आपके या आपके परिवार में किसी को भी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तीसरा है बैक गठिया, जोड़ों के दर्द, घुटनों और कमर के दर्द। अगर आपको हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैरों से कट कट की आवाज़ आती है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी चीज बताएंगे जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसे घर पर बना सकते हैं और सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों यह चीज है अजवाइन। अजवाइन हर घर में है। आयुर्वेद में अजवाइन को एक औषधि कहा गया है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में, जिसे हजारों साल पहले महर्षि बाणभट्ट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि अजवाइन वात और पित्त का नाश करती है। वात और पित्त नाशक है। अब आप कहोगे कि वात और पित्त क्या होती है? वात का मतलब होता है गैस, और आपके पेट में गैस बनती है तो ये अजवाइन इस गैस को खत्म कर देती है। पित्त नाशक, अगर आपके शरीर में एसिडिटी है तो ये उसे खत्म कर देती है। अगर आपके शरीर में गैस है तो यह कौन सी बीमारी हो जाती है, पहले ये जान लेते हैं। आज आप जान जाएंगे कि अजवाइन से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। वात में होने वाली बीमारियों में सबसे पहले बीमारी होती है कि आपके पेट में गैस बनने लग जाती है। पेट में गैस होने से शरीर के अलग अलग हिस्सों में चली जाती है, आपको ये दिखता नहीं, ये गैस आपके पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में घूमती रहती है। और जब ये गैस घूमती है तो पेट के अलग अलग हिस्सों में दर्द होने लगता है। अगर ये गैस घुटनों में चली जाए तो घुटनों में दर्द होगा। अगर ये गैस कमर में चली जाए तो कमर में दर्द होगा। अगर ये गैस आपके दिमाग में चली जाए तो आपके सर में दर्द होगा। तो वात का मतलब हुआ गैस, और गैस से होने वाली सारी समस्याएं, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द और आपके पेट में दर्द, ये सभी प्रॉब्लम अजवाइन से ठीक हो सकती है। जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन पित्त को सही करती है। ये पित्त के अंदर अच्छी रहती है। पित्त का मतलब होता है एसिडिटी। एसिडिटी को आप समझते ही हैं। अगर आपके गले में मिर्च लगती है, खट्टी डकारें आती हैं, आपके अंदर एसिडिटी होने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके पेट में कीड़े हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, तो ये जितनी बीमारियां हैं वह पित्त के कारण होती हैं। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं उसमें से 80% बीमारियां पित्त के कारण होती है, और जो अजवाइन है वो पित्त नाशक है। आप अजवाइन से अपने शरीर की 80% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जिन 80% बीमारियों को आप अपने शरीर में ठीक कर सकते हैं हमने उनके बारे में बता दिया। इन सभी बीमारियों के लिए अजवाइन अच्छी है, मतलब आप ऐसे ही अजवाइन खाकर 80% बीमारियों से बचे रह सकते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अब अजवाइन कैसे खानी है ये आपको समझना होगा, क्योंकि अजवाइन तो आप यूज करते ही होंगे लेकिन अजवाइन लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त रिश्तेदार स्वस्थ रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों
तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक और भी अच्छी जानकारी लेकर आने के लिए। अजवाइन को आप पानी के साथ ले सकते हैं, अजवाइन को आप दूध के साथ ले सकते हैं, अजवाइन को आप नमक के साथ सीधा भी ले सकते हैं, अजवाइन को आप सब्जी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ यानी लस्सी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर रख दें और अगली सुबह उस पानी को उबालकर उस पानी का सेवन करें। अब आप इस तरह से अजवाइन का सेवन करेंगे तो इससे आपको अनेकों फायदे होंगे, जिनमें से पहला फायदा है आपका वजन कम होगा। और अगर आपका वजन बढ़ चुका है तो आपको ये सिंपल ट्रिक अपनानी है। रात को एक चम्मच अजवाइन एक गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और अगले दिन उस पानी को उबालना है। उस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा लीटर ना रह जाए, यानी कि जितना आपने पानी लिया था उसका आधा रह जाए। उसके बाद उसे छानकर अगर एक महीने तक लगातार आप इसे पीते हैं तो आप 7 से 10 किलो अपना वजन कम कर सकते हैं। और अगर आप इसे 6 महीने तक लगातार पीते हैं तो चाहे आपका वजन 100 किलो ही क्यों ना हो तो आप 60 से 70 पर अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। वजन को कम करने के लिए अजवाइन का पानी अद्भुत है, सबसे अच्छा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा आपके पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो अगर आपको कब्ज है और सुबह प्रेशर नहीं बनता है, पेट खुलकर साफ नहीं होता है, तो ऐसे में भी अजवाइन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। ऐसे में आप वजन कम करने के लिए अगर ये पानी पियेंगे अजवाइन का तो इससे भी सभी प्रॉब्लम नेचुरली ठीक हो जाएगी। डायबिटीज में फायदेमंद होती है अजवाइन का पानी। अगर आप खाली पेट पीते हैं तो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करती है। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है तो ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें, उसे दिखाएं। अगर वो ऐसा कर लेता है तो पहले दिन से ही उसके जो एनीक्रियाज हैं वो स्ट्रांग होने लगेंगे, उसके अंदर इंसुलिन बनने लगती है, उसके अंदर जो डायबिटीज है वो नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज होती है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमें इस बीमारी के बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं करते, बस वो हमें दवाइयाँ देते हैं और हम घर पर आकर दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं और ये एक टेम्परेली इलाज होता है। आज तक डॉक्टर ने जो आपको डायबिटीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया होगा वो आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जितनी आपको डॉक्टर बताते हैं। डॉक्टर आपको कहते होंगे कि आपने डायबिटीज की दवाई ना ली तो आप मर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नेचुरल तरीके से भी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल सारा हमारे दिमाग के पेनक्रियाज का है, जो पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता है। अगर किसी का पेनक्रियाज कमजोर हो जाता है तो उसका इंसुलिन बनने का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से शरीर के अंदर डायबिटीज बढ़ने लगती है, यानी शुगर लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम उस पेनक्रियाज को ठीक कर लें या पेनक्रियाज को मजबूत कर लें तो हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से भी इंसुलिन बनाया जा सकता है, तब हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेडिसिन लेते हैं दोस्तों डायबिटीज के लिए, वो हमारे लिए इतनी घातक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि इतने साइड इफेक्ट तो डायबिटीज के नहीं होते जितनी उस मेडिसिन के हो जाते हैं। आपके शरीर में जितनी भी डायबिटीज के कारण कमजोरियां आती हैं, आपको हड्डियों की कमजोरी आ जाती है, आपके बाल गिरने लगते हैं, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ये सब उस दवाइयों का साइड इफेक्ट है, ना कि डायबिटीज का। तो आपको छोड़नी क्या चाहिए? डायबिटीज के लिए दवाइयाँ छोड़नी चाहिए या दवाइयाँ खानी चाहिए? तो आपको सबसे पहले तो दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए और आपको नेचुरल तरीके अपनाने चाहिए। उसके लिए आप अजवाइन का पानी पिए, अमरूद के पत्ते खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर में जो इंसुलिन का लेवल है वो खुद ब खुद बढ़ने लगता है और आपको दवाइयाँ खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, यानी आप अपने शरीर के अंदर इंसुलिन का लेवल खुद ब खुद बढ़ा सकते हैं और कोई
एक्स्ट्रा इंसुलिन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हमें वो हर चीज दी है जिससे आप अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आपको यह नहीं बताएंगे। तो आप अगर डायबिटीज से परेशान हैं तो आप अजवाइन का पानी पिए और अमरूद के पत्ते खाएं। नीम के पत्ते भी चबा चबा के खा सकते हैं। मीठा कम कर दें और तली हुई चीजें कम खाएं। आपका शरीर नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाएगा और किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट शरीर में नहीं होगा, क्योंकि जब इंसुलिन वाली जहरीली दवाइयां नहीं खाइएगा तो उसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे डायबिटीज के। तो ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप डॉक्टर का बताया हुआ जहर खाना पसंद करेंगे या ग्रंथों में जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीज आप अपनाओगे। ये सेम हाई ब्लड प्रेशर में भी डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का सरल इलाज है सुबह उठते ही खाली पेट सीधा पानी पी जाओ। बस सिर्फ इतना करने से आप अपना हाई ब्लड प्रेशर खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र के जरिए हाई ब्लड प्रेशर को खत्म किया जा सकता है। सुबह उठते ही 2 से 3 बेलपत्र खा लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर 1 महीने में खत्म हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर चाहे 20 साल पुराना क्यों ना हो, बस 1 महीने में खत्म हो जाएगा।